बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और हम आभार व्यक्त करेंगे यदि आप हमें हिंदी के अलावा मगही में बोलने का आदेश देते हैं तो। आदेश है, चलिए। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपको। बोलिए, सभी का सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के दिन में जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 ओकरा आय व्यय में सम्मिलित अनुदान की मांग खंड 11 है, जिकरा में गृह विभाग, सामान्य विभाग, मंत्रिमंडल विभाग और निगरानी विभाग के बजट पेश कर गए है, ओकर हम समर्थन करिए, दिल से समर्थन करिए, और कटौती के प्रस्ताव के हम विरोध करिए। महोदय, हम ये कहल चाहिए सबसे पहले ये कि बात सही है, नया लोग के सूझे तो एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी के कुछ काम ऐसा है जे इतिहास के पन्ना में याद करल जेते, चाहे जो भी लोग समझ थी, लेकिन एक चीज हमर दिल में जरूर गड़ा है, वो बात ये है कि आज अभी हाले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनावल गेले, और वो महिला दिवस मनावल गेले तो हम तो समझे कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी बच्ची के साइकिल देख के, पोशाक देख करके पढ़ावे की व्यवस्था कल थी, एकरा से बढ़ के और का हुआ है नारी सशक्तिकरण के संबंध में, एकरा लिए हम प्रशंसा करेंगे। लेकिन एक बात हम कहल चाहिए एकरा में, 2014-15 में एक निर्णय होले हल कि बच्चा क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्ची के फ्री एजुकेशन दिल जाए। आज स्थिति ये है कि जहाँ फ्री एजुकेशन कॉलेज में स्कूल में दिल जा रहे है, ओकरा 5-5 बरस 4-4 बरस से ओकरा क्षतिपूर्ति पैसा न मिले थे, जिकरा चलते बड़ी दिक्कत होवे थे। तो हम सरकार से अनुरोध, शांति से सुनिए, इतना निमन काम, इतना बड़ा काम तू कहला है, तो कम से कम एकरा में कौन ऐसा बात है कि एकरा चलते हमन ही के थोड़ा सा एखनी के ताली पीटे के नौबता जाए। हम तो कहे कि एकदम पूरा कर देवे के चाहिए ताकि सब बच्ची फुल्लम खुला पढ़े। और जब महिलाएं के बात आवा है तो एक बात आओ आवा है महोदय कि जनरल कैटेगरी के लोग तो ठीक है, खाए पिए में सबके अच्छा खाना मिला है, बच्चियन भी इतनी लंबा हो जा थी, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा के खाना पीना की अवस्था उतना मजबूत ना है, इस वजह से ओकर बच्चियन छोटा छोटा हुआ थी। नतीजा हुआ है कि जो सिपाही भर्ती के बात अभी अले है तो 155 सेंटीमीटर कहल जाए तो 155 सेंटीमीटर में शेड्यूल कास्ट आदिवासी और अति पिछड़ा के लड़कियन सब छाँट जा रहा है। तो इस वजह से हम अनुरोध कर रही है गृह विभाग से और बिहार सरकार से कि पहले हल हम धन्यवाद दे नीतीश कुमार के, पहले हल 165 हमारे कहे पर 160 कल थी, फिर होले 155, और आज हम फिर कहे कि वही बात के दोहराहू मुख्यमंत्री जी कि बच्चिन के कम से कम 152 सेंटीमीटर खाली रखूं ताकि गरीब के बच्ची लोग भी शिक्षक में बहाल हो जाए, सिपाही में बहाल हो जाए, हम ये कहल चाहिए। और एक बाद महोदय हम एक बार कहलिए कर पहले भी, आज हम ओकरा दोहरावा ही है, और वो दोहरावे के बात ये है हुजूर कि भूदान में, सीलिंग में और बिहार सरकार के जमीन जो पर्चा मिले है, लाखों लाख पर्चाधारी के ओकरा पर कब्जा न है, एक अभियान चला करके ओकरा पर अभियान चला करके एक काम करल जाओ तो हम समझे कि लाखों लाख गरीब और पर्चा केरा मिले है, जाहिर बात है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सभी पिछड़ा गरीब के मिले है, तो ओकर संरक्षण ला एक अभियान चला करके ये काम करे के चाहिए, ये हम कहल जाए महोदय। और दूसर बात ये कहल जाए महोदय, वहू कह लियल हम पहले कि 5 डिसमिल जमीन दे देहू और 1 एकड़ जमीन दे देहू खेती ला, और खेती में खराय करके मने ओकरा खरीद करके दे देहू तो बिहार में कोई भी ऐसा न रहते कि जगरा घर न रहते और जगरा खेती बाड़ी के कोई अभाव रहते, तो ये भी काम करूँ तो बड़ा अच्छा काम होता है, निमन काम होता है, यही हम आज कहल चाहिए। और ओकर बाद एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहल जाइए अध्यक्ष महोदय, हम शायद सब सदा सभासद के लोग भी आश्चर्यित रहती, हमारा पूरा याद ना है, ज्यादा हम पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन सुनलिए है कि 1932 में
एक पूना पैक्ट के मसौदा आये हल और मसौदा में आये हल जरा में बाबा अम्बेडकर कहलथिन हल कि विकास एक ताला है और राजनीति एक चाभी है। तो राजनीति के चाभी देवे ला बाबा कहलथिन हल कि डबल मतदाता सूची के प्रावधान किया जाए, लेकिन वो प्रावधान न होले है और ओकर चलते आज दिक्कत हो रही है कि आज आरक्षण है और आरक्षण में महोदय हम न कहल चाहिए कि सामाजिक विडम्बना है कि आरक्षित वर्ग के लोग कितनों भी तेज तरार रहे चाहे मंत्री रहे चाहे अफसर रहे लेकिन सब कहा थी का आखिर रिजर्वेशन आयल है रिजर्वे कोटा में आयल है। तो ई हम समझे कि जो हमनी के प्रति अपमानित बात हुआ है ये छूट जेते यदि डबल मतदाता सूची बनने लगते तब जैसे MLC में हुआ है। MLC में टीचर कंस्टिट्यूंसी में टीचरे ने वोट दे है और टीचरे के न वोट दे है और उसी नगर निकाय के भी वोट चले थे ओकरो में नगर निकाय के लोग ही खड़ा हुआ है और वही लोग वोट दे। तो वैसे ही शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट के अगर वोट देती तो कहाँ अर्थ हो जीते ओकरा से ये होता है कि आज शेड्यूल कास्ट के जो MLA रहा है ये MP रहा है कोई काम करा है ओकरा पर दबाव पड़ जाए ओकरा चलते शेड्यूल कास्ट के विकास न करे। इस वजह से हम माना ही कि यहाँ के विषय न है लेकिन हम समूचे भवन दी सदन से हाथ जोड़ के निहोरा करेंगे कि ई प्रस्ताव सरकार लावे एकरा एक मत से पास करके भेज दहू ताकि भारत सरकार ऐसा व्यवस्था कर दे ताकि हमनी के आगे बढ़े का मौका मिले। ई हम कहल चाहे महोदय और संक्षिप्त कर लीजिए दूसरा एक मिनट महोदय दूसरा बात अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम है बड़ी अच्छा है। थोड़ा दिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ करते हैं आगे पीछे तो देख लो कि समूचे हिंदुस्तान के दलित एक पैर पर खड़ा हो गई थी ओकरा मैंने जो अभी बात हो रहा है वो तो हो रही पार्लियामेंट फिर पास करके एगो नया यहाँ प्रबंध हले हुजूर प्रबंध हले ये कि SP रैंक के पदाधिकारी हो वाले खास करके SC ST एक्ट के कानून के देखे वाला वो समाप्त हो गए है। हम गृह मंत्री जी से प्रधान मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध कर रही है निहोरा कर रही है कि फिर से ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट देखेला विशेष परिस्थिति में आरक्षी अधीक्षक के नियुक्ति करल जाओ। और फिर हुजूर थोड़ा सा हुजूर एक दो मिनट और हम तो बोले ही कम ना एक बात बोलबे नहीं करबो तो इस वजह से एक मौका दे दो एक दो मिनट और तो और दूसरा हुजूर कि कहल चाहिए कि अभी हाल में जातीय जनगणना के बात ही सब कहल थी होवे के चाहिए जातीय जनगणना लेकिन जातीय जनगणना में जो कर कॉलम है हुजूर वो कॉलम में मगही बजिका आंगिका और भोजपुरी के शायद जगह न मिले है। ये तीनों चारों भाषा के भी जनगणना के कॉलम में मिले के चाहिए स्थान ये हम आज निहोरा करल चाहिए। और दूसरा बात कि अभी बड़ी खुशी हो ले बड़ी धन्यवाद दही बिहार सरकार के कि भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वां सूची में लावे लायक प्रस्ताव दल गए है। हम हाथ जोड़ करके निहोरा करिए कि बड़ा अच्छा कहल है लेकिन हमारा मगही है बजिका है अंगिका है एकरो 8वीं सूची में जोड़ेला यहाँ से एगो प्रस्ताव भेजला तो बड़ी अच्छा हो। तो ये हम कहल चाहिए हुजूर और वही तरह से और कुछ बात कहल चाहिए कि जैसे ऐसा होले है गृह विभाग के मामला आ जा है कि बहुत सा ऐसा जगह है प्रखंड में कि प्रखंड मुख्यालय से वो जो पंचायत है ओकर दूरी 50 किलोमीटर पड़ा है लेकिन बगल में प्रखंड है सकरा में ना जाए सब उदाहरण एकरा में लिखल है हुजूर दे देवे ओकरा पार्ट बना देता थी लेकिन एक उदाहरण देवल चाहिए। पटने जिला के एगो इमामगंज है गांव अरवल रोड में पड़ा है इमामगंज यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पड़ा है और वो जाना वो कहाँ है वो पटना में है और वो तीनों तरफ उन्हें अरवल है नहीं जहानाबाद है। तो कहे का मतलब कि अगर वो अरवल जिला में चल जाए तो निश्चित रूप में सबके सुविधा होते है। वही प्रकार से कई एक काम एकरा में बतेली है ओकरा में समय लेते इस वजह से वो बात हम न कर सकें। और महोदय एकरा में एक थोड़ा सा और एक मिनट और चाहिए ज़्यादा न चाहिए और हम कहे मजदूर कि असंगठित मजदूर है असंगठित मजदूर जो गांव घर में देहात में काम कर रहा है ओकरा कोई संगठन न है वो मर जाए तो या कोई आकस्मिकता आवा है तो ओकरा पर कोई ध्यान न दिल जाए। इस वजह से हम अनुरोध कर रही है ये पवित्र भवन के कि सरकार कानून बना दे कि असंगठित मजदूर के पंजीकरण करावे और बेरोजगार लोग हो रहे थे।
उनका ला बहुत तरह प्रदर्शन वगैरह होले हल, कल हम गेलिए हल प्रदर्शन करे सी, उनका बहुत सा मांग है। लेकिन एक मांग बड़ी अच्छा लगा है कि भाई 2014 के बाद जे रिटायर होवे थी उनका हर तरह की सुविधा दे जा है, लेकिन 2014 के पहले आसन की मजबूरी है, समय से बंधा है, हाँ उनका कोई सुविधा न दे जा है। इस वजह से उनको लिए भी हम कहल चाहिए कि उनके व्यवस्था कर जाए। और फिर हुजूर अंत में यही कहे कि विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज, ये सब बड़ा नीक काम करे थी समाज में, लेकिन स्थिति है कि उनका पे या उनका भविष्य के बारे में ऐसा हथी दिक्कत में कि जगरा से वो बड़ी असमंजस हथी। इस वजह से हम निहोरा करे ही सरकार से कि विकास मित्र है, टोला सेवक है, तालमी मरकज है, उनका वेतन दिल जाए, वेतन मान दिल जाए और अस्थाई कर दिल जाए, तो बड़ी सुविधा के बात होते। महोदय अपने समय दिल थी अकरा में।